एकता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज झारखंड दौरा, सीएम हेमंत सोरेन से मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज दोपहर करीब 3 बजे पटना से रवाना होंगे। आज शाम तक 7 बजे वो वापस पटना भी आ जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मजबूती और सबको एकजुट करने के लिए पहल कर रहे हैं। लगातार अलग अलग राज्यों में उनका दौरा हो रहा है। आज बुधवार 10 मई को नीतीश कुमार झारखण्ड जाएंगे। झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होने वाली है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से झारखंड सरकार को जानकारी दी गई है कि नीतीश कुमार बुधवार को जाने वाले हैं। पटना से करीब 3 बजे नीतीश कुमार निकलेंगे। इस मुलाकात के बाद बुधवार शाम 7 बजे ही नीतीश कुमार पटना लौट आएंगे। नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के बीच करीब 1 घंटे बातचीत होगी। उसके पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और अब सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर इस मुलाकात में बातचीत होने वाली है। कल ही नवीन पटनायक से मिले थे सीएम नीतीश। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार 9 मई को उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मिले थे। इस मुलाकात के पीछे भी विपक्षी एकता देखी जा रही थी, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा किसी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। ममता बनर्जी और अखिलेश से भी मिल चुके हैं नीतीश। नीतीश कुमार का दौरा लगातार जारी है। नवीन पटनायक से पहले उन्होंने कुछ दिनों पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। उसी दिन वो यूपी चले गए थे, वहाँ अखिलेश यादव से भी वहाँ मिले थे। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पीसी कर विपक्षी एकता की मजबूती का संदेश दिया। नीतीश कुमार मुंबई भी जाने वाले हैं, वहाँ उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात होने वाली है। अभी हाल ही में विपक्षी एकता की मुहिम पर नीतीश कुमार का संदेश लेकर पिछले दिनों विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भेंट की थी। अब नीतीश कुमार खुद जाने वाले हैं।